नमस्कार, आप देख रहे हैं पावर टॉक्स। सोशल मीडिया वैसे तो हमें सारी अपडेट देने के लिए है, लेकिन इस पर होने वाले फ्रॉड्स भी कुछ कम नहीं है। ऐसा ही कुछ हुआ जब एक व्यापारी ने सोशल मीडिया के जरिए एक डील की जिसमें उसे लाखों का चूना लग गया। क्या है पूरा मामला, चलिए आपको बताते हैं। नागपुर के एक कारोबारी है, नाम है अनिल कुमार राजानी। ये बैठकर अपना फेसबुक स्क्रॉल कर रहे होंगे, तभी इनको अपनी फीड में एक ऐड दिखती है। ऐड थी ईवी चार्जिंग स्टेशन के लिए डीलरशिप। ऐड बैंगलोर की एक कंपनी के नाम था, जिसको देखकर शायद अनिल को लगा कि कंपनी की ये ऐड असली है और अनिल ने इस ऐड पर डीलरशिप के लिए अप्लाई कर दिया। और उन्हें ऑफर इतना अच्छा लगा कि उन्होंने कंपनी के नंबर पर कॉन्टैक्ट भी किया। जब कॉल पर बात हुई तो कंपनी के सलाहकार ने अनिल से प्रोसेसिंग फी, स्टैम्प ड्यूटी, ट्रांजैक्शन फी मिलाकर 10,58,000 रुपये जमा करवा लिए। ये पूरा अमाउंट एक बार में नहीं बल्कि करीब एक महीने के बीच ट्रांसफ़र हुआ। और सबसे ज़्यादा हैरानी की बात तो ये थी कि अनिल को तब भी कोई शक नहीं हुआ, क्योंकि एक महीना वाकई लंबा समय है। इतने पैसे देने के बाद भी ठग कंपनी अनिल से और पैसे की डिमांड करने लगी और उन्हें गुमराह करने लगी, जिसके बाद अनिल को शक हुआ और उन्होंने पुलिस कंप्लेंट कराई, लेकिन पुलिस अभी तक इन ठगों को पकड़ नहीं पाई है। हम आपको ये खबर क्यों बता रहे हैं, ताकि आप ऐसे फ्रॉड से बच सकें, क्योंकि ज़माना सोशल मीडिया का है। और ये ज़रूरी भी नहीं है कि हर ऐड फ्रॉड हो, लेकिन हमेशा बड़ी डील करने से पहले कंपनी को क्रॉस चेक ज़रूर कर लें। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और पावर टॉक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।